बेहतर होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा जो लेबल है, जो दायरा है, उसी लेबल और दायरे को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने प्रॉस्पेक्ट के समक्ष अपनी बातों को रखें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपनी चिमनी भरने को हमारा झोपड़ा जलाते हो, अपने सपने पूरे करने को हमें ऑडी जैगवार का सपना दिखाते हो। डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी लोगों को झूठे सपने दिखा रहे हैं, अगर लोगों को आप अनाप शनाप तरीके से बरगला रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आप जब भी जिस लेबल पे हों, उसी लेबल की बात आपको करनी चाहिए। अगर आप 2,000, 4,000, 5,000 रुपए के लेबल पे हो, तो आपको उसी लेबल पे रह करके अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करना चाहिए, उसे बेसिक एजुकेशन देना चाहिए, एथिक्स के बारे में उसको बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है उसको समझाओ। लेकिन आप उस इंसान से इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते कि देख भाई, तू आज ज्वाइन कर लिया, तेरा आधार कार्ड लग गया, पैन कार्ड लग गया, बैंक अकाउंट लग गया, अब तू आज से लखपति करोड़पति हो गया, आज से तेरी ज़िंदगी में ऑडी जैगवार मर्सिडीज आ गई। देखो, मैं जानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेशन की चादर ओढ़ करके लोगों की ज़िंदगी बदलने का प्रयास करते हैं। आपको मैं समझाना चाहूँगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और लोगों की ज़िंदगी सचमुच में बदलना चाहते हैं, तो पहले लोगों को एक नायाब इंसान बनाने का प्रयास करें। झूठा सपना और झूठी तसल्ली दिलाकर उसकी ज़िंदगी नस्ता नाबूद करने का प्रयास ज़रा भी ना करें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं और आप चाहे जितने भी बड़े तुर्रम खान लीडर हों, आपको मैं आगाह करना चाहूँगा कि आप लोगों को झूठा सपना ना दिखाएं कि 1,00,000 कमाऊँगा, 2,00,000 कमाऊँगा, 4,00,000 कमाऊँगा। बिल्कुल कमाओगे यार, लेकिन उसका एक दायरा है, एक लेबल है, एक स्टेज है। पहले उसे नेटवर्क मार्केटिंग में चलना तो सिखाओ यार, पहले उसे नेटवर्क मार्केटिंग की राइट इल्म तो सिखाओ यार। वास्तविक ज्ञान क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, पोटेंशियल क्या है, एजुकेशन क्या है, एथिक्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप कभी बात नहीं करते। आप सिर्फ एक काम करते हो, उसका आधार कार्ड लगाते हो, आईडी लगाते हो, पैसा लेते हो, प्रोडक्ट देते हो, बात ख़त्म कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि तेरे जैसे हजारों आएंगे हमारी ज़िंदगी में हमें लखपति करोड़पति बनाने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन आपने कभी अपने पीछे देखा है कि जिन लोगों के साथ आपने जास्ती की है, आज वही लोग आपके पीठ के पीछे न सिर्फ आपको गाली दे रहे हैं, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को गाली दे रहे हैं, और आज इसी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के लिए बनी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो तो बढ़ना चाहिए ना, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति अवेयरनेस तो बढ़ना चाहिए ना, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की दिलचस्पी तो बढ़नी चाहिए ना। वो तो खत्म होती जा रही है। हम तो देख रहे हैं दिन रात लोग गालियां देने में मदमस्त हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अनाप शनाप कहने में मदमस्त हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप अपने चंद रुपयों के स्वार्थ में लोगों के साथ जास्ती आपने किया है। अपनी चिमनी भरने को हमारा झोपड़ा जलाते हो और अपने सपने पूरे करने को हमें ऑडी BMW का सपना दिखाते हो। इस तरह अगर आप कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा कि ये हरकत करना बंद कर दें, ये वाहियात हरकत करना बंद कर दें, नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इंडस्ट्री से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और लोग नेटवर्क मार्केटिंग पर थूकना शुरू कर देंगे। आप जैसे लीडर अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोगों को गलत सपने दिखाते हैं। अभी वो बच्चा आया है नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने के लिए और आप उसको ऑडी BMW जैगवार से चलाना सिखा रहे हो। आप उसको बताते हो तेरी ज़िंदगी में लाखों आ जाएंगे, करोड़ों आ जाएंगे, अरबों आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे यार, आ जाएंगे, सर मत पटको, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन कब आएंगे पता है? जब नेटवर्क मार्केटिंग की राइट एजुकेशन उसके मन मस्तिष्क में जाके बैठ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, छप जाएगी परमानेंट के लिए, उस दिन वो ऑडी जैगवार अपने दम से ला लेगा, आपके दम से नहीं। आप सिर्फ उसको नेटवर्क मार्केटिंग में चलना सिखाओ, दौड़ना वो खुद सीख जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी को गलत सपने मत दिखाओ, किसी के साइकोफिजिकल नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर उसका साइकोफिजिकल नेचर मैच कर रहा है, तभी
ही उसको नेटवर्क मार्केटिंग में लाओ, नहीं तो उसको बोल दो कि चुपचाप जिसमें तेरा मन लगे वो काम कर, फिजूल के परेशान मत हो। तुम्हें भी पता है नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए नहीं बना है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हर कोई अपनी जिंदगी नहीं सफल कर सकता है। 95% और 5% का रेशियो चलता है। आप लोगों से मिलिए, जरूर मिलिए, बातचीत करिए, उनको ड्रीम्स दिखाइए, लेकिन एक लेवल पर, एक दायरे पर, जिस लेवल पर वो इंसान हो उसकी बात करिए। ऑडी जैगवार बीएमडब्ल्यू की बात करके किसी का दिमाग मत खराब करो भैया। हर इंसान आज परिपक्व है, हर इंसान जानता है कि पहले इस भागा भाग की जिंदगी में 5-10 हज़ार रुपए हमारी जिंदगी में आए, बाद में हम ऑडी जैगवार के बारे में सोचेंगे। अगर वो नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जिसके घर में 5-10 हज़ार रुपए की इनकम नहीं आएगी उसका परिवार कैसे चलेगा? कभी सोचा है 2,000-3,000-4,000 रुपए की ज्वाइनिंग के लिए अपने जमीर को बेच देते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के राइट एजुकेशन से खिलवाड़ करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के सैद्धांतिक पक्ष से खिलवाड़ करते हो? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अगर गलत करेंगे, दूसरे के पेट पर लात मारकर अगर सपना पूरा करना चाहेंगे तो जिंदगी में कभी संपन्न और कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लोगों की हाय बिल्कुल लगेगी। डियर फ्रेंड्स, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के राइट एजुकेशन के बारे में हमेशा बातचीत करता हूँ और मैं हमेशा बात करता रहूँगा।